नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पेश श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। मोदी ने सपा पर कसा तंज, कहा यूपी में खूब चली भ्रष्टाचार की साइकिल। अमित शाह ने दौरे के अंतिम दिन कश्मीरी पंडितों के प्रसिद्ध मंदिर खीर भवानी के दर्शन किए और पंडित समुदाय से जाना हाल। पीएम मोदी ने पूर्व हॉकी खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह को संन्यास लेने के बाद पत्र लिखा, दी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। पंजाब कांग्रेस अरूसा आलम मामले में बैकफुट पर, नवजोत सिद्धू बोले अब मूल मुद्दों पर लौटे पार्टी। मठ प्रमुख यांग बुंच रिपोचे बोले अगले दलाई लामा के चयन में चीन की कोई भूमिका नहीं। सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री ने रिमो का बटन दबाकर 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस की बड़ी घोषणा, किसी बीमारी का 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। कोरोना काल के 18 माह बाद नवंबर में फिर शुरू होगा एसजीपीजीआई का ट्रामा सेंटर, मिलेगा 24 घंटे इमरजेंसी सेवा। गोरखपुर को मिलेगी 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, सीएम योगी शीघ्र करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कानपुर में सड़क पर बेलगाम दौड़ी पुलिस जीप ने चाट का ठेला रौंदा, चालक सिपाही निलंबित। पांच ग्यारह आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन देने के लिए अमेरिका तैयार, नवंबर की शुरुआत में टीका लगने की संभावना। इमरान खान को कट्टरपंथी इस्लामी समूह की धमकी, प्रमुख साद रिजवी की रिहाई, जारी रहेगा प्रदर्शन। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने जताई चिंता, बोले दुनिया जब चाहेगी तब खत्म होगी कोरोना महामारी। इमरान खान के शासन को लेकर पाक सेना में बड़ी बेचैनी, आईएसआई चीफ को लेकर भिड़ी रार। रूस में कोरोना संकट गहराया, सेंट पीटर्सबर्ग में 30 से लॉकडाउन। पाकिस्तान से हार के बाद सवाल पर भड़के विराट कोहली, बोले रोहित शर्मा को टी20 इंटरनेशनल से बाहर कर दे। भारत की हार से दून नवासी निराश, अंतिम गेंद तक लगाए रहे जीत की आस। सुपर 12 में पहुंचने वाली चौथी टीम का हुआ फैसला, आयरलैंड करारी हार के साथ बाहर। विराट कोहली पाकिस्तान से हार के बाद बोले, यह टूर्नामेंट की शुरुआत खतरे की घंटी बजाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के सिर्फ 3 खिलाड़ियों से हार गया भारत, बाबर ने बदला इतिहास। दिशा परमार ने राहुल वैद्य के बिना ही मनाया अपना पहला करवा चौथ, वीडियो कॉल पर पूरी की सारी रस्में। सूर्यवंशी के मेकर्स ने रिलीज किया एक और ब्रांड न्यू पोस्टर, फैंस के लिए लिखा है खास संदेश। छत्तीस फार्म हाउस में गीतकार संगीतकार के रोल में नजर आएंगे सुभाष घई, ये फिल्म सुभाष की एक कहानी पर है आधारित। आर्यन खान ड्रग्स केस पर अनन्या पांडे से फिर होगी पूछताछ, एनसीबी ने तीसरी बार भेजा एक्ट्रेस को समन।
राजकुंद्रा के लिए शिल्पा शेट्टी ने रखा करवा चौथ का व्रत, लेकिन साथ नजर नहीं आए पतिदेव। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।